नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज आपके फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी को सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन कराऊंगी। हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी क्या है, उसकी विभिन्न अवधारणाएँ क्या है, तो उनमें हमने समाज, समुदाय, समिति, संस्था आदि के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आज का हमारा चैप्टर है सोशल स्ट्रक्चर। किसे कहते हैं सामाजिक संरचना? इसकी मैंने दो परिभाषाएं ली है। कार्ल मैनहिम के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। तो सामाजिक संरचना क्या है? परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। अगली परिभाषा मैंने ली है पार्सन्स की। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं, अर्थात उसमें एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। वे सब मिलकर सामाजिक संरचना को बनाते हैं, सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित और क्रमबद्ध ढांचा है जो समाज को बनाता है। परिभाषा को समझ लेने के बाद अब हम समझेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताएं। क्या है सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता? फर्स्ट है, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। हमने पढ़ा था कि समाज क्या है। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो उसी की संरचना को अभी हम समझ रहे हैं, सामाजिक संरचना। और सामाजिक संरचना की पहली विशेषता है, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है, अर्थात सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ जब क्रमबद्ध रूप से किसी व्यवस्था से जुड़ जाती हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है और इस ढांचे से सामाजिक संरचना बनती है। जैसे कि हमारी बॉडी, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, आँख, सिर, इनसे मिलकर बनी होती है। ये परस्पर जुड़कर हमारे शरीर रूपी ढांचे को बनाते हैं। उसी तरह समाज का निर्माण करने वाली इकाइयाँ भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर बाह्य स्वरूप को बनाती है, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समितियाँ आदि हैं। प्रत्येक संरचना के कई खंड हो सकते हैं। कई खंडों से मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। इसीलिए सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण बहुत सारी इकाइयों से मिलकर होता है। और जब ये परस्पर एक क्रम में जुड़ती है तो सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए, एक रूम को बनाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, ईंट, चूना, सीमेंट, पत्थर, खिड़की, दरवाजे, ये सब मिलके एक घर को बनाते हैं। उसी तरह समाज की विभिन्न इकाइयाँ जैसे व्यक्ति, समूह, संस्थाएं मिलकर सामाजिक संरचना को बनाती हैं। अगली विशेषता है, सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ
अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती हैं, बल्कि परस्पर रूप से संबंधित होती हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे कि कोई भी टीवी है, मशीन है, जो भी है, उनके जो विभिन्न कलपुर्जे होते हैं, वे व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं, तभी वह मशीन काम कर पाती है। उसी तरह सामाजिक संरचना की भी विभिन्न इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप होता है, जो परस्पर संबंधित होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के योग से नहीं होता, बल्कि उनके विशिष्ट क्रम में जुड़ने से होता है। जैसे कि टेलीफोन है, या टीवी है, या मोबाइल है, टेबल है, कोई भी जो संरचना है, वह उसकी विभिन्न इकाइयों के व्यवस्थित जुड़ने से ही बनती है। उसी प्रकार सामाजिक संरचना की इकाइयों में भी क्रमबद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। अर्थात सामाजिक संरचना, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयाँ अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। जैसे समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह, समितियाँ, संस्थाएं आपस में स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, इनमें स्थायित्व पाया जाता है। उसी तरह सामाजिक संरचना भी स्थायी होती है, क्योंकि इसकी विभिन्न इकाइयां स्थायी है और इन विभिन्न इकाइयों में पारस्परिक संबंध भी स्थायित्व रूप में पाया जाता है। इसीलिए सामाजिक संरचना में स्थायी तो पाया जाता है, क्योंकि इसकी विभिन्न इकाइयां स्थाई हैं और स्थाई इकाइयों के मध्य पारस्परिक संबंध भी स्थाई है। इसकी अगली विशेषता है, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। मैकाइवर और पार्सन्स दोनों की डेफिनेशन हमने देखी, और मैकाइवर ने पहले कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। पार्सन्स दोनों ही सामाजिक संरचना को अमूर्त अवधारणा मानते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों एवं भूमिकाओं से मिलकर होता है, और ये सभी इकाइयाँ अमूर्त हैं। इनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, बल्कि महसूस किया जा सकता है। इसी कारण सामाजिक संरचना भी एक अमूर्त अवधारणा है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं से होता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई उपसंरचनाओं से मिलकर होता है। जिस प्रकार से शरीर में अलग-अलग सिस्टम वर्क करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह से कई सारे सिस्टम मिलके एक बॉडी को बनाते हैं, उसी तरह समाज के भी विभिन्न इकाइयां मिलकर, समाज की उपसंरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। जैसे परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था आदि के द्वारा मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अनेक उपसंरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना को बनाती हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती हैं। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है, वह दूसरे समाज से डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में कोई ना कोई सांस्कृतिक व्यवस्था अवश्य होती है। प्रत्येक सामाजिक संरचना किसी ना किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है। उस पर वहाँ की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, तो जैसी भौगोलिक स्थिति होती है, वैसी ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। उसी प्रकार की समाज की संरचना निकल कर आती है। इससे ये पता चलता है कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति,
राजनीतिक दशा, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इसीलिए सामाजिक संरचना भी डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं और स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। नेक्स्ट विशेषता है, सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पूर्व निश्चित स्थान एवं पद होता है। जैसा हमने देखा कि सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है और इन विभिन्न इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है, तो इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक इकाई का पद और स्थान भी निर्धारित होता है। वह उस स्थान पर रहकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। नेक्स्ट विशेषता है, सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी एवं असहयोगी प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग आदि सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं का बाह्य रूप सामाजिक संरचना को तय करता है, जैसे कितना सहयोग है, कैसा अनुकूलन है, परस्पर इकाइयों में कैसा सात्मीकरण है, किस तरह की प्रतिस्पर्धा है, तो ये सारी जो सामाजिक संरचना की प्रक्रियाएं हैं यह भी सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण होती है। समाज में सहयोग होता है तो समाज का डेवलपमेंट होता है, विभिन्न इकाइयों में आपस में प्रतिस्पर्धा रहेगी, सहयोग की भावना रहेगी तो समाज का विकास तीव्र गति से होगा। और इसके स्थान पर यदि केवल संघर्ष ही समाज में पाया जाता है तो समाज में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसकी अगली विशेषता है, सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन सामाजिक संरचना में सहयोग और विघटन दोनों प्रकार के तत्व ही पाए जाते हैं। तो कई बार कुछ ऐसी इकाइयां भी समाज में पाई जाती हैं जो समाज में विघटन पैदा करती हैं। मर्टन एवं दुर्खिम का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं में नियमहीनता पैदा करती है। तो सामाजिक संरचना में विघटन और सहयोग दोनों ही गुण पाए जाते हैं। एक बार पुनः हम सामाजिक संरचना की विशेषताओं को रिपीट करेंगे। सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। सामाजिक संरचना अंतर संबंधित इकाइयों का व्यवस्थित स्वरूप है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से मिलकर होता है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पूर्व निश्चित स्थान एवं पद होता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक संरचना में विघटन के भी तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक संरचना क्या है, विशेषताएं क्या है। सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। अर्थात समाज विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना होता है और समाज की ये विभिन्न इकाइयां परस्पर क्रमबद्ध रूप से जुड़ी होती हैं, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होती हैं। इनसे मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। जैसे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, अलग अलग हैं, आँख, नाक, कान सब अपना अपना काम करते हैं और अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हैं, उसी तरह समाज का भी एक ढांचा होता है जिसमें विभिन्न समाज की जो इकाइयाँ हैं सामाजिक संरचना की,
विभिन्न जो उपसंरचनाएं हैं वे है व्यवस्थित क्रम में लगी होती हैं, व्यवस्थित क्रम में जुड़ी होती है, तब जाके सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। हैरी जॉनसन भी कहते हैं कि किसी वस्तु का ढांचा उसके अंगों के अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होता है। स्वयं अंग शब्द से ही कुछ स्थायित्व के अंश का ज्ञापन होता है। सामाजिक प्रणाली क्योंकि लोगों के अंतर संबंधित कृत्यों से निर्मित होती है, इसका ढांचा भी इन कृत्यों में पाई जाने वाली नियमितता या पुनरावृत्ति के अंशों में ढूंढा जाना चाहिए। अर्थात ये सारी जो बात हुई है, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं और सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई जो सामाजिक इकाइयां हैं उनका जाल है। इसीलिए सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है। इसकी विभिन्न इकाइयां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो समाज के विकास और सहयोग के लिए आवश्यक है। आपको ये चैप्टर ज़रूर से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।